कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है दिनेश लाल निरहुआ की। यहाँ पर देखा जाए तो आजमगढ़ के सांसद है, उपचुनाव यहाँ पर हुआ था तो भारी बहुमत से जीत हासिल करते नजर आए थे, जबकि यहाँ पर कहा जाता है कि MY फैक्टर सबसे ज्यादा अहम है सपा पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर सपा के नेता को पछाड़ते हुए नजर आए थे निरहुआ। अब यहाँ पर एक और बड़ा बयान उनका सामने आया आजमगढ़ में, जब यहाँ पर जनसभा करने पहुंचे, लोगों से बैठक की, यहाँ पर उनकी समस्याएं सुनी और समस्याओं का समाधान निकालने का आश्वासन भी यहाँ पर देते नजर आए। तो इस बीच जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सपा की वापसी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भूल कर भी नहीं, अगर कोई सोच भी रहा है, कोई नेता ये सोच रहा है कि सपा दोबारा से आएगी तो भूल जाना चाहिए, ये बात यहाँ पर निरहुआ ने साफ तौर पर कह दी। उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े अधिकारी, यहाँ पर जनता भी नहीं चाहती कि सपा पार्टी वापसी करे। शिवपाल सिंह यादव का अगर साथ मिल गया, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर अगर किसी बड़े का साथ भी मिल जाता है तो क्या आसान है सत्ता में वापसी करना, जनता काम चाहती है और जो यहाँ पर लगातार योगी सरकार कर रही है, देश में मोदी सरकार कर रही है, जो कहा वो करके दिखा रही है। आजम खान लगातार यहाँ पर आजम खान भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और निरहुआ ने इन सारी बात को लेकर तंज कसते हुए काफ़ी कुछ कहते नजर आए और जनता यहाँ पर उनकी वाहवाही करती नजर आई, लगातार नारेबाजी करती नजर आई। आगे देखा जाए तो उन्होंने कहा कि देश चलाने का हक सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को है और वो अपना काम बहुत ही बेहतर तरीके से करती हुई नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि वो अधर्मी है, रामचरितमानस पर जो विवादित टिप्पणी दी थी वो सही नहीं थी। यहाँ पर आप देखिए कि सपा पार्टी को जनता की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो यहाँ पर उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दे दी गई, ऐसे कौन करता है भाई, ये बात यहाँ पर निरहुआ ने कही। जमकर हमला बोला अखिलेश यादव पर और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लताड़ा भी उन्होंने। आगे देखा जाए यहाँ पर तो साफ तौर पे माना जा रहा है कि निरहुआ अब यहाँ पर और भी बेहतर तरीके से अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे। उन्होंने 3-4 काम एक साथ कर दिए, जनता से सभा भी की, जनता की परेशानियाँ भी सुनी, उसका जवाब भी दिया और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव को भी जमकर लताड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी जमकर हमला बोला और यहाँ पर मोदी सरकार, योगी सरकार की तारीफ भी की। तो यहाँ पर निरहुआ ने जिस तरीके से कदम उठाया तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता नज़र आ रहा है। बार बार हम आपके साथ रिपोर्ट साझा करते कि निरहुआ शायद यहाँ सपा में जा सकते हैं, लेकिन उनके इस बयान से साफ तौर पे देखने और सुनने को मिल रहा है कि सपा में वो कभी नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव को जब भी मौका मिलेगा सरेआम इसी तरीके से लताड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सारे बयान सही थे निरहुआ के? आप लोग किसका कितना समर्थन करते हैं इसका कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।